नेतृत्व स्पष्ट है, हम नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हम लड़ रहे हैं। और ये 10 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा को देश में कई जगहों पे आगे लाने का काम किया है। प्रति व्यक्ति जीएसटी कलेक्शन सबसे पहला कौन है? मारा हरियाणा। मैं एक एक बार पूछूंगा, आप बोलेगा मारा हरियाणा। प्रति व्यक्ति जीएसटी कलेक्शन में एक नंबर कौन है? छोटा होने के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था में 4% किसका योगदान है? केंद्रीय खाद्यान्न भंडार में योगदान में दूसरा नंबर किसका है? दूध के उत्पादन में तीसरा नंबर किसका है? सबसे ज्यादा सामाजिक सुरक्षा पेंशन कौन दे रहा है? धुआं मुक्त गांव कहां बना है? सबसे लिखी पढ़ी पंचायतें कहां है? 400 फॉर्च्यून कंपनियों का हेडक्वार्टर कहां है? लॉजिस्टिक सुविधाएं देने में देश में नंबर एक कौन है? और सबसे ज्यादा सुधार करने वाली व्यवस्था भी हरियाणा की रही है। भाइयों बहनों, प्रति व्यक्ति आय हो, प्रति व्यक्ति एक्सपोर्ट हो, वृद्ध सम्मान पेंशन हो, सीएम विवाह सगु योजना हो, हर चीज में हरियाणा नंबर वन बना है। यहाँ पर 12 एक्सप्रेसवे बने हैं और दशकों से अधूरा पड़ा कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे का काम भी आगे बढ़ा है। 750 बेड का एम्स बनाया, आईआईटी दिल्ली का एक्सटेंशन स्थापित किया, 2000 करोड़ से सबसे बड़ा कैंसर का अस्पताल बनाया और झज्जर जिले में सबसे बड़ा बस अड्डा बनाने का काम भी किया है। ये विपुल भाई यहां बैठे हैं ना, विपुल खड़े हो जाओ तो तुम जरा। ये विपुल गोयल और हमारे 5 प्रत्याशी आ गया हो भैया, सब आ गया हो। मैं आपको बताता हूं कि एक बार फरीदाबाद का विकास सुनिए। 262 करोड़ की लागत से नया रेलवे स्टेशन बनाया, इसमें मल्टी लेवल पार्किंग की सुविधाएं दी, फरीदाबाद में 7 नई ट्रेनें चलाई, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे जेवर हवाई अड्डे से जोड़ दिया गया, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि में 30,000 रेहड़ी पट्टी वालों को लोन दिया गया, 46 गांव में नया मेडिकल कॉलेज बनाया, फरीदाबाद में ईएसआईसी का मेडिकल कॉलेज भी बनाया और इसके साथ साथ विधवा सहाय, पेंशन, वृद्ध पेंशन, हर घर में गैस का सिलेंडर। और माताओं बहनों, मैं आपको बताता हूं, जो अब सिलेंडर दिया गया है वो 500 रुपये में देने का निर्णय हमारे नायब सिंह जी ने किया है। हमने ओबीसी की क्रीमी लेयर को भी कम किया, हमने कई जातियों को जिसमें गुर्जर जाति भी है ओबीसी में जोड़ने का काम किया, सामाजिक सुरक्षा पेंशन में वृद्धि की और सबसे ज्यादा एमएसपी पर खरीदी करने वाला कोई एक राज्य है तो मेरा हरियाणा है। हरियाणा है अटल किसान मजदूर कैंटीन के तहत 10 रुपये में भोजन की व्यवस्था की और मोदी जी ने 1,43,000 करोड़ रुपये का हरियाणा में विकास का काम किया है। हुड्डा साहब, 10 साल आप मुख्यमंत्री रहे, एक बार लिस्ट लेकर आ जाओ फरीदाबाद के चौराहे पर, विपुल गोयल चर्चा के लिए आ जाएगा, दो दो हाथ कर लो किसने ज्यादा विकास किया। भाइयों बहनों, मैं आज फरीदाबाद की विशाल जनसभा में आप सभी को विश्वास देने आए, मोदी जी के दिल के सबसे नजदीक अगर कोई एक राज्य है
तो मारा हरियाणा है, आप मान कर चलना। हरियाणा के विकास के लिए मोदी जी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। यहां भाई भतीजों के लिए काम करने वाली सरकार की जगह देश की सुरक्षा के लिए, देश की समृद्धि के लिए, आतंकवाद के सफाये के लिए और राम मंदिर बनाने की वाली सरकार को एक बार फिर से लाने का काम आप करें, ऐसा मेरा आप सबसे निवेदन है। भाइयों बहनों, 5 तारीख को चुनाव है, अभी काफी समय बाकी है। हर गली गली, गांव गांव, घर घर जाकर कमल के निशान का संदेश दीजिए और भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाइए। मुझे बताओ जरा जोर से, भाजपा को जिताओगे क्या? अरे जोर से बोलो भाई, जिताओगे? हमारे 6 के 6 प्रत्याशी को कमल के निशान पर बटन दबाकर जिताओगे? नायब सिंह को मुख्यमंत्री बनाओगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे।